नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। यूपी में कोहरे के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं और जहां बात यमुना एक्सप्रेसवे की करी जाए तो यहां आए दिन कोहरे के चलते कोई ना कोई गाड़ी हादसे का शिकार हो रही है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा डिपो ने बसों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिए हैं। नए साल पर किसी के घर का दिया ना बुझे, किसी परिवार की खुशियां ना छिने, इसे लेकर ग्रेटर नोएडा डिपो ने रोडवेज बसों की स्पीड धीमी कर दी है। रोडवेज बस पहले 80 किलोमीटर और अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रोडवेज बस सड़क पर दौड़ेंगी। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन दिखाई नहीं देते, इस कारण सड़कों पर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर रोडवेज चालक परिचालक की आंखों की जांच लगातार हो रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में यात्री सुरक्षित अपने घर पहुंच सके, इसे लेकर ग्रेटर नोएडा डिपो अधिकारियों ने बसों की स्पीड पर अंकुश लगाकर एक सराहनीय काम किया है, जिसके चलते पिछले एक साल में करीब 13% बसों के हादसों में कमी देखी गई है, जिसमें 19% मौतों के आंकड़े में और करीब 0.49% घायलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। अधिकारियों के मुताबिक कोहरे के चलते हाईवे पर दूसरे वाहन दिखाई नहीं देते हैं, जिसके चलते रोडवेज प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है, वाहनों की स्पीड थोड़ी कम की जाए। पहले रोडवेज बसें 80 किलोमीटर और अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोडवेज बस सड़क पर दौड़ेंगी, क्योंकि सड़क पर कोहरे के चलते लगातार हादसे होते हैं, क्योंकि कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रहती है, जिससे वाहन दिखाई नहीं देते और हादसे हो जाते हैं। क्योंकि एक रोडवेज परिचालक के साथ बस में सैकड़ों लोग यात्रा कर रहे होते हैं, यात्रा करते समय उन सभी यात्रियों की जान की जिम्मेवारी रोडवेज बस चालक की होती है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो जान भी जा सकती है। वहीं रोडवेज अधिकारी ARM के मुताबिक समय समय पर रोडवेज बस चालक परिचालक की नेत्र जांच भी कराई जाती है, जिसमें वे अगर अनफिट पाए जाते हैं तो उन्हें इलाज की सलाह दी जाती है, इसके बाद ही उन्हें बस चलाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि रात्रि में फिट चालकों को ही बस चलाने की अनुमति दी जाती है, जिससे कि कोई हादसा ना हो सके। अगर सड़क पर कोहरा ज्यादा है तो किसी रेस्टोरेंट या अन्य जगह पर बस रोक लें, जिससे कि कोई हादसा ना हो पाए। कोहरा कम होने के बाद ही आगे के लिए प्रस्थान करें। अगर आप रोडवेज बस से सफर कर रहे हैं तो समय का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि प्रशासन ने रोडवेज बस की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है और ये ब्रेक आपकी ही भलाई और सुरक्षा को देखते हुए लगाया है। जब तक ठंड का प्रकोप जारी है तब तक आप समय से पहले निकलें और अपने सफर का आनंद लें। अंशुमन यादव और भारती सिंह के साथ मैं नेहा परिहार, नोएडा। हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।